हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फाइनली हमारे पास आ चुका है Redmi Note 11T 5G और फाइनली इसको फर्स्ट सेल में परचेज किया है मी होम स्टोर से। और इसकी जो ब्लॉगिंग वीडियो है वो आप लोगों को सेकंड चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, किस स्टेप्स इसको बाय किया, कहां पर हमने बाय किया और जो मी होम का हमारे साथ एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। Redmi Note 11T को परचेज कर लिया है और अब करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग घर जा करके, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। फाइनली आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसका पूरा ओवरव्यू, कौन कौन से फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों बात करें अनबॉक्सिंग की तो कुछ इस टाइप का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग बॉक्स को ओपन करोगे सबसे ऊपर आपको एक लिड देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप लोगों को जो कवर्स हैं वो देखने को मिलेंगे और कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। वेल, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगी और एक सिलिकॉन का जो कवर है ट्रांसपेरेंट नॉर्मल सी क्वालिटी का वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर हैंडसेट देखने को मिल जाता है। वेल, इसको रखते हैं साइड में और सबसे नीचे आप लोगों को एक और लिड देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर 33 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा, यूएसबी टाइप सी की केबल देखने को मिलेगी। और भाई इसका चार्जर काफी तगड़ा इस बार Xiaomi ने दिया है और आप लोगों को यहाँ पर जो रेड कलर की लिड है वो देखने को मिलती है। वेल, ये तो बात हो गई बॉक्स कंटेंट के बारे में। अब दोस्तों ये रहा Redmi Note 11T 5G। वह सबसे पहले इसको रैपर में से निकालते हैं और कुछ इस टाइप का मोबाइल फोन आपको देखने को मिलता है। लेकिन भाई अगर आप लोग यहाँ पैकेजिंग देखें तो नीचे आप लोगों को भाई कितने ज्यादा स्मजेस देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात की जाए इसके फिजिकल ओवरव्यू एंड डिजाइन के बारे में तो आप लोगों को बैट में मैटी फिनिश देखने को मिलती है, काफी स्मूथ देखने को मिलेगी। बॉटम साइड में आप लोगों को 3.5mm का गड्ढा देखने को मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा, माइक देखने को मिलेगा और स्पीकर ड्रिल देखने को मिलेगी। टॉप में आप लोगों को यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलेगा, साथ में आप लोगों को जो ड्यूल स्पीकर है उसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ में बात की जाए यहाँ पर राइट साइड में तो राइट साइड में आप लोगों को फिंगरप्रिंट अनलॉक देखने को मिल जाएगा, साथ में पावर बटन देखने को मिलेगा और वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में आप लोगों को यहाँ पर सिम ट्रे देखने को मिलेगी और हाइब्रिड सिम स्लॉट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात की जाए डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आप लोगों को 6.6 इंच की IPS फुल HD जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगी। और जितना मैंने इस डिस्प्ले को यूज किया इंडोर और आउटडोर में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। आउटडोर में काफी अच्छी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, साथ में इस डिस्प्ले में आपको 90Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। वेल, डिस्प्ले के मामले में काफी अच्छी जो ब्राइटनेस डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलती है। दोस्तों बात की जाए कैमरा के बारे में तो आप लोगों को रियर में ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है और 8MP का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। फ्रंट में आप लोगों को 16MP की सेल्फी देखने को मिलेगी। वेल, जितना मैंने इस कैमरा को यूज किया लिटरली आपको इतना ही बोलूंगा, डिसेंट सा कैमरा आपको देखने को मिलता है और पिक्चर्स क्वालिटी भी आपको डिसेंट सी देखने को मिलेगी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें आपको काफी दिक्कत देखने को मिल सकती है, जितना मैंने इस कैमरा को यूज किया डिसेंट सा कैमरा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब दोस्तों मोबाइल फोन को थोड़ा यूज करने के बाद मुझे इसमें बहुत ही कम बूट बेयर देखने को मिला। इसमें आप लोगों को सिर्फ मौज एप्लीकेशन देखने को मिलती है अनवांटेड, जिसको आप लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और बाकी जितनी भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है Xiaomi की ऑफिशियल और गूगल की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। वह Xiaomi ने इस बार बूट बेयर को काफी कम करने की कोशिश की है। इसी के साथ दोस्तों इसमें आप लोगों को गूगल का जो डायलर एप्लीकेशन है और गूगल की जो मैसेज एप्लीकेशन है वो देखने को मिलती है। और आप लोगों को पता है इन दोनों की क्या दिक्कत आपको देखने को मिलती है। अब इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को इस मोबाइल फोन में रैम एक्सपेंशन का जो फीचर है वो आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिलता है। आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में और आप लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे फाइनली आप लोगों को मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। आप लोग 2GB तक अपनी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए अंतु स्कोर के बारे में तो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट किया और बात करें स्कोर की तो आप लोगों को स्कोर देखने को मिलता है 3,52,982। वेल, ये पूरा प्रैक्टिकल स्कोर आपको देखने को मिलता है और इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए हम लोग BGMI का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितने ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं और किस टाइप
टाइप की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात की जाए ग्राफिक्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। आप लोगों को स्मूथ के ऊपर अल्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 40 FPS आपको काफी आराम से मिलेगा। बैलेंस की ओर भी आपको अल्ट्रा देखने को मिलेगा और HD और हाई जो है इसके हाई ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं। वेल, जो सेम सेटिंग्स आपको मीडियाटेक G95 के ऊपर देखने को मिलती है, वही आप लोगों को मीडियाटेक के A10 के ऊपर देखने को मिलते हैं। कोई इतनी खास परफॉर्मेंस आपको तगड़ी देखने को नहीं मिलेगी। वेल, इसका BGMI टेस्ट भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फाइनली दोस्तों ये थी Redmi Note 11T 5G की अनबॉक्सिंग एंड मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना मैंने इस डिवाइस को यूज किया अपने फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर कर दिए। सो मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।